मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन तुम मेरी कैद में हो और तुम मेरी कैद में ही रहोगी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम मेहर अंगेज के लिए कितनी जरूरी हो और मैं तुम्हारे बदले मेहर अंगेज से बहुत कुछ हासिल कर सकता हूं। मेरे बदले? हाँ, तुम्हारे बदले। और यह मेरे इंतकाम की इब्तिदा है, क्योंकि मेरी बगावत मेहर अंगेज के खिलाफ है, जिसने चिरगाम को एक डाकू एक लुटेरा बनने पर मजबूर कर दिया, जबकि चिरगाम एक डाकू एक लुटेरा नहीं बल्कि उस सल्तनत का बादशाह था, जहां के जवानों के सर काट कर मेहर अंगेज ने अपने महल की दीवार पर लटका दिए। उसी इंतकाम की आग ने चिरगाम को एक लुटेरे का चोला पहनने पर मजबूर कर दिया, और अब यह चोला मेरे बदन से उसी दिन उतरेगा जिस दिन चिरगाम की तलवार मेहर अंगेज का सर कलम कर देगी। कहीं ऐसा ना हो मेहर अंगेज को कत्ल करने का एक ख्वाब तुम्हारा अधूरा रह जाए। मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे कैद में आने से पहले हिंदुस्तान के शहजादे ने मेरी मदद की थी। हिंदुस्तान का शहजादा? हाँ, हिंदुस्तान का शहजादा। वो मेहर अंगेज से अपना इंतकाम लेने निकला है, और उसके सीने में बदले की वो आग है कि अगर मेहर अंगेज उसके सामने आ जाए तो वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। तुम्हारे कलेजे के आर पार हो जाए, ये बताओ कि तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? क्योंकि तुम मेहर अंगेज के दरबारी हो और एक तुर्किस्तानी हो। मैं तुर्किस्तानी नहीं हूँ। अगर तुम तुर्किस्तानी नहीं हो तो कौन हो तुम? मैं हिंदुस्तानी हूँ। हिंदुस्तानी? हाँ, मैं हिंदुस्तान का शहजादा तहमास हूँ। अगर तुम हिंदुस्तान के शहजादे हो तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मेहर अंगेज से अपना इंतकाम लेने आया हूँ। मेहर अंगेज से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? जिस शहजादे ने खून को पानी की तरह बहाया हो वो इस काबिल नहीं कि उसे माफ किया जाए। वो मेरी भी दुश्मन है शहजादे। उसने फरगाना कबीले के सैकड़ों नौजवानों की जान दी है और मुझे उससे उनका बदला लेना है। तुम फिक्र मत करो, हमारा इंतकाम इतना भयानक होगा कि मेहर अंगेज की चीखें आसमान तक सुनाई देंगी। मुझे भी उसी दिन का इंतजार है शहजादे, क्योंकि उसके जुल्म की हदें हर सीमा पार कर चुकी है। अब उसके जुल्म के शिकार हैं कोहे काफ के वो दो बाशिंदे। कोहे काफ के बाशिंदे? कहीं ये वो तो नहीं जो गुल सरोवर की दास्तान मोहब्बत जानते? हाँ वही, लेकिन तुम उन्हें कैसे जानते हो? उनमें से एक का नाम ज़ियाद है। हाँ,
ज़ियाक है। ज़ियाक की बहन अज़रा, जो कि अपने भाई की तलाश में आई थी, हमसे मिल चुकी है। कहाँ मिली वो? तुर्किस्तान की उस सरहद पर। उसी ने हमें बताया कि उसका भाई मेहरंगेज की कैद में है, और हमने उससे वादा किया है कि हम उसके भाई को मेहरंगेज की कैद से आजाद कराएंगे। वो आजाद हो चुके हैं शहजादे। ज़ियाक मेहरंगेज की कैद से आजाद हो चुका है? हाँ, वो मेरे ही पास थे, मगर अफसोस मेहरंगेज का एक आदमी चिकाला उन्हें तलाश कर रहा था, और उसके हाथों से बचाने के लिए मैंने उन्हें फरार करा दिया। फरार? मतलब अब कहाँ हैं वो लोग? मैं उन्हीं को तलाश कर रहा हूँ। कहीं मेहरंगेज फिर उन्हें अपने कब्जे में न कर ले। डर तो यही है, क्योंकि मेहरंगेज के सिपाही चप्पे चप्पे में फैले हुए हैं, कहीं वो ज़ियाक की बहन को गिरफ्तार न कर ले। नहीं, वो उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि मैं उसे एक महफूज जगह पे छोड़ के आया। मैं उसे तुर्किस्तान की मशरकी पहाड़ियों पे छोड़ के आया। फिर भी चिकाला अज़रा की तलाश कर रहा होगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो उसे अपना कैदी बना ले। तुम ये मत समझना अज़रा कि तुम मेरी कैद में हो। तुम्हें आजादी का पूरा हक हासिल है। मैं जानता हूं अज़रा कि मैंने तुम पर बहुत से जुल्म किए हैं, लेकिन ये मेरी जिंदगी का कसूर है जिसे मैं गुजार रहा हूं। सहरा की तपती हुई आग ने मेरी आंखों में शोले भर दिए हैं। इन पथरीली चट्टानों में रहते रहते मेरा दिल पत्थर का हो गया। जंगलों की आबादी ने मुझे जानवर बना दिया। मेरी आंखें उठी तो इनमें से चिंगारियां निकली, मेरी जुबान चली तो इसमें से तीर निकले, और मेरा हाथ उठा तो इसमें से खंजर निकला। मेरा जिस्म जिस्म नहीं, लोहे का कवच हो गया। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे अंदर के इंसान को कब नींद आ गई और वो कब सो गया। मेरे ख्वाबों की दुनिया इतनी बेरहम और संगदिल थी कि मुझे इंतकाम, सिर्फ इंतकाम की गूंज सुनाई देने लगी। इंसानियत से मोहब्बत करने वाला सुल्तान एक खूंखार डाकू, एक खूंखार लुटेरा बन गया। अचानक मैंने तुम्हें देखा अज़रा, तो मेरे अंदर सोए हुए इंसान ने एक बार फिर से अपनी आंखें खोली। मेरी आंखों पर से कोहरा छट गया और मुझे यह दुनिया खूबसूरत दिखाई देने लगी। फिजाओं में खुशबू और इस कायनात में हजारों रंग दिखाई दिए, और इन हजारों खूबसूरत रंगों में मुझे चांद सा चेहरा दिखाई दिया। वो तुम्हारा चेहरा था अज़रा, वो तुम्हारा चेहरा था। नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। ये मोहब्बत एक अज़ाब बन जाएगा, एक सज़ा बनकर रह जाएगी। उस दुनिया की तमाम सज़ाएं मुझे मंजूर होंगी, लेकिन तुम्हारी जुदाई नहीं। तुम हजारों मुसीबतों में गिरफ्तार हो जाओगे ज़रगाम। नहीं अज़रा, मोहब्बत कभी गिरफ्तार नहीं हो सकती, मोहब्बत तो आजाद है। तुम नहीं जानते ज़रगाम, हमारा वजूद मिट के रह जाएगा। मोहब्बत एक अंधकार है। नहीं अज़रा, मोहब्बत एक रोशनी है, मोहब्बत एक उजाला है। मैं मोहब्बत की इस रोशनी में जलने का गुनाह नहीं कर सकती। लेकिन क्यों नहीं अज़रा? मुझे मेरी मौत सामने नजर आती है। वो लोग जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं कभी भी कयामत बनकर मेरे सर पर टूट सकते हैं, मुझे हलाल कर सकते हैं। दफन कर दिए जाएंगे तुम्हें हलाक करने वाले। जगाम उनकी छातियों को चीर के रख देगा, उनकी चीखें पूरब से पश्चिम तक सुनाई देंगी, और उनका खून आसमान की धार को छू जाएगा। तुम्हारा जुनून, तुम्हारा जज्बा देखकर मैं तुम्हारी कदर कर सकती हूँ, लेकिन तुमसे नहीं। अज़रा, मैंने तुमसे चांद और सितारे तो नहीं मांगे, तुम्हारा ईमान तो नहीं मांगा, मैंने तो बस मोहब्बत मांगी थी। ज़रगाम, तुम मेरा आफ्ताब हो सकते हो, मेरा ईमान हो सकते हो, लेकिन मेरा प्यार नहीं हो सकता।
तुम ठीक कहती हो अजरा। मैं लुटेरा तो आज तक यही समझता रहा कि दुनिया में हर चीज, हर दौलत लूटकर हासिल की जा सकती है, मगर मुझे आज पता चला है कि मोहब्बत जैसी अनमोल चीज लूटकर हासिल नहीं की जा सकती है। मुझे आज पता चला है कि सीने में ठोका हुआ यह गम का तीर क्या असर रखता है। जलाली आंखों में देख तुझे अपनी खौफनाक मौत नजर आएगी। सरगम, मैं तुझे इन पथरीली पहाड़ियों में जिंदा चुनने के लिए आया हूं। हिम्मत है तो बाहर आ। कहां है सरगम? उससे कहो कि इससे पहले मैं जमीन का सीना चीर कर उसे जिंदा दफन कर दूं, वो खुद को मेरे हवाले कर दे। सरगम को ललकारने वाले तुर्किस्तानी जंगली एक कदम भी आगे बढ़ाने की कोशिश की तो हमारे भाले तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। दुनिया में ऐसा कोई भाला नहीं बना जो सिगाला की फौलादी छाती को चीर सके। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। ए, रुक जा। मैं कहता रुक जा, एक कदम भी आगे बढ़ा तो हलाक कर दिया जाएगा। लुटेरे की हिम्मत कि वो सिगाला को हलाक कर सके, आज सिगाला तुम सबकी लाशें बिछा देगा। आपके वो मुजरिम हैं जिन्होंने तुर्किस्तान के दहलीज में अपने नापाक कदम रखने की जरूरत की। ये दोनों सरगम क्या? काश, काश किस वक्त तुम हमारे सामने सरगम को जंजीरों में जकड़ कर लाए होते तो हम उस मगरूर लुटेरे का सर अपने कदमों से कुचल देते। मुझे अफसोस है शहजादी, मैं सरगम को गिरफ्तार नहीं कर सका। क्यों नहीं? क्योंकि जिस वक्त मैंने सरगम के पनाह में हमला किया उस वक्त वो मौजूद नहीं था। अगर वो वहाँ मौजूद नहीं था तो वो है कहाँ? और कोहे काश की वो लड़की जो उसके कब्जे में है वो कहाँ है? वो लड़की भी वहाँ मौजूद नहीं थी क्योंकि जब मैं वहाँ पहुँचा उसे पहले ही सरगम उसे लेकर फरार हो गया था। अगर वो दोनों वहाँ नहीं है तो वो जरूर कहीं छुपे होंगे। और वो कहाँ छुपे हैं उसके ये जर खरीद गुलाम जरूर जानते होंगे। तुम्हारा वो सरदार, इससे पहले कि मेहरंगेज तुम्हें सलीब पर लटकाकर तुम्हारे जिस्म पर कीलें ठोक दे, बताओ कहाँ है सरगम और क्या चाहता है वो? वो मेहरंगेज की सल्तनत की बुनियाद को हिलाना चाहता है और वो मेहरंगेज की हस्ती को मिटाना चाहता है। खामोश,
जो महल अंगेज की हस्ती को मिटाने का गुमान रखता हो वो पहले जाकर हमारे महल की दीवारों पर लटके हुए सनों को देख ले, इससे पहले कि हम तुम्हारी जिंदगी की रग को काटते। बताओ हमें कि जरगाम उस कोहेकाफ की लड़की को लेकर कहाँ गया है? वो उस लड़की को कोहेकाफ छोड़ने के लिए तुर्किस्तान की सरहदी पहाड़ियों पर ले गया। तुर्किस्तान की सरहदी पहाड़ों पर? फिकाला, इससे पहले कि वो लड़की तुर्किस्तान की सरहदों से बाहर निकल जाए उसे जाकर गिरफ्तार कर लो। हमें वो लड़की किसी भी हालत में जिंदा चाहिए, जिंदा। जिंदा रहना उनके लिए नामुमकिन है अगर कोहेकाफ के वो दो बाशिंदे मेहरंगेज के हाथ लग गए तो। नहीं, वो उन्हें कत्ल नहीं करेगी। नहीं शहजादे, वो अपनी अना में कुछ भी कर सकती है क्योंकि वो गुलशनोवर की दास्तान जानने के लिए पागल दीवानी हो चुकी है। इसीलिए वो उन्हें कत्ल नहीं करेगी क्योंकि गुलशनोवर की दास्तान है मोहब्बत, यही दो कोई काफी बाशिंदे जानते हैं। अगर वो उन्हें कत्ल नहीं करेगी तो उन्हें गिरफ्तार जरूर करा लेगी शहजादे। मुझे लगता नहीं कि वो मेहरंगेज के कब्जे में इतनी जल्दी आएंगे, वो यही कहीं जंगलों में छुपे हुए हैं। मुझे नहीं लगता शहजादे कि वो इन जंगलों में हैं, क्योंकि अगर वो इन जंगलों में होते तो हमें जरूर मिल जाते। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें तुर्किस्तान की सरहद से बाहर निकलने का मौका मिल गया और वो लोग निकल गए हों? नहीं शहजादे, वो जंगल की हद से बाहर नहीं निकल सकते। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? शहजादे, उनका यहाँ से निकलना नामुमकिन है क्योंकि जिगाला हरगिज़ उन्हें यहाँ से निकलने नहीं देगा। जिगाला? हाँ शहजादे, जिगाला वो जंगली इंसान है जिसे मेहरंगेज अपनी पलकों पर बिठा कर रखती है। जिगाला मेहरंगेज के लिए अपनी जान हथेली पर लिए फिरता है, वो मेहरंगेज की आधी जान है। अगर जिगाला मेहरंगेज की आधी जान है तो हमें मेहरंगेज तक पहुंचने के लिए जिगाला को खत्म करना होगा। वो तो उसी दिन मेरे हाथों से मारा जाता अगर मैं चट्टान से नहीं गिरता। उसी मौके का फायदा उठाकर वो मेरे हाथों से निकल गया। वो फिर अपने हाथ आएगा, तुम फिक्र मत करो। आज के बाद मेहरंगेज की जिंदगी में गमों का तूफान उठेगा और उसके दिल में लगने वाला पहला घाव सिगाला की मौत होगी। अजनबी, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मौत के ये भयानक पंजे तेरे गले तक पहुंच जाएंगे। पता कौन है तू? बुलंद आवाज में बात करने वालों की हम जमाने खींच लिया करते हैं। हट जा हमारे रास्ते से बेअदब। नामुमकिन, नामुमकिन है कि इस धरती का मुहाफिज तुम्हारा इरादा जाने बगैर तुम्हें यहां से जाने दे। कौन मुहाफिज? किसका मुहाफिज? हम जिस तरफ नजर उठा के देख लेते हैं वो हुकूमत हमारी होती है और हम वहाँ के शहंशाह होते हैं। ये हुकूमत तुर्कों की है और मेहरंगेज यहाँ की शहजादी है। तो तुर्कों की शहजादी मेहरंगेज से कहो कि वो हौलनाक जंग के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि हम उसकी तबाही का सामान लेकर उसकी धरती पे पहुँच चुके हैं। मेरे कहर के आंधी में उड़ कर रह जाएंगे तुम्हारे ताजो तख्त, मिटा कर रख दिया जाएगा तुम्हारा नामो निशान। मेहरंगेज हमारी आबरू है और जो भी हमारी आबरू को ललकारेगा खाक में मिला दिया जाएगा। तमाम तुर्की तलवारों में वो घनक नहीं जो हमें खाक में मिला सके, तो फिर तेरी हैसियत क्या है? हम अपने शहजादी की एक फरमान पर अपना सर कटाने वाले गुलाम हैं। तो फिर तुझे हमसे बात करने का कोई अख्तियार नहीं, क्योंकि हम गुलामों से बात नहीं क्या करते। खामोश, खामोश। मुझे कोई अफसोस नहीं कि तुझ जैसे नाफरमान की मौत मेरे हाथों लिखी है, फिगाना के हाथों। क्योंकि अगर जिगाला एक बार सूरज की तरफ निगाह उठाकर देख ले तो उसे भी कहन लग जाता है। तो तू ही है जिगाला, मेहरंगेज का जरखरी गुलाम। अब ये समझ ले कि ये लम्हा तेरी जिंदगी की आखिरी किरण है। अब तेरी जिंदगी का सूरज डूब जाएगा, ये धरती तेरे गम में सीना पीटेगी और मेहरंगेज तेरी मौत का मातम करेगी। Like and subscribe our DigiTube.